स्थलों से स्वागत कर रहे हैं भाई शंभू जी, शंभू चौरसिया जी अध्यक्ष है। आपका नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ, आपके धन्यवाद। आज इस सभा की अध्यक्षता हेतु बोधपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद जी को मनोनीत किया गया है। आज की सभा व्यवसायियों के साथ शासन और व्यवसायियों के बीच की सभा है, यानी हम सभी को शासन से जो भी कुछ डिमांड रखना है आज हम खुलकर अपनी मांग भी शासन के साथ रख सकते हैं। जितना कुछ बन पड़ा प्रशासन और शासन के द्वारा सहयोग लोगों तक जो दिया जा रहा था वो आरंभ होने के पूर्व ही हम व्यवसायियों ने ही जिला स्तर की सामग्री हो, वस्त्र हो या जो जिस प्रकार से भी हम लोगों ने सहयोग करना था सभी व्यवसायियों ने मिलकर किया, परंतु किसी ने यह नहीं सोचा था ऐसे संगठन अनेक छोटे छोटे व्यवसायी मिलकर लगातार जब तक ऐसे समय थे जब हम व्यवसायी ऐसे लोगों को मदद किए, ऐसे समय में मदद किए जब सरकार द्वारा किसी तरह का कोई सामग्री या कोई सहयोग राशि नहीं मिल रहा था और हम लोगों ने एक ऐसा मुहिम चलाया था कि ऐसे छोटे छोटे व्यवसायी जो खुंचा ठेला छोटे छोटे व्यवसायी जो एक लॉकडाउन होने के चलते उनका राशन बंद, उनका सभी बिजनेस बंद हो गया था और वो परेशान थे जो मुंह खोलकर मांग भी नहीं सकते थे, ऐसे व्यवसायी को हमने चिन्हित कर बिना मांगे उनके यहाँ राशन पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। हमने ऐसे छोटे छोटे लोगों को मदद किया है जिनके यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे रिक्शा वाले ठेला वाले लॉकडाउन की स्थिति में उनके यहाँ अनाज नहीं था, ऐसे ऐसे मुहल्ले के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज मांगा। हजारों लाखों करोड़ आज खजाना केंद्र का बिहार के विकास के लिए खुला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को उतनी बिजली दे दी कि जितनी आवश्यकता है उससे जाते, बिहार को इतना धन दिया कि बिजली के बड़े बड़े ग्रिड बने और केवल बिजली तमाम गांव के तमाम घरों में नहीं पहुंची केवल तो 20 से 22 घंटा बिजली सबको उपलब्ध है। किसानों के लिए अलग फीडर की बिजली स्वागत करेंगे। बताया व्यवसाय है। देखिए व्यवसाय मनुष्य के जीवन का एक बड़ा भारी हिस्सा है जो पूरे अर्थनीति को नियंत्रित करता है और उसको सुगठित करके आगे बढ़ाता है और इससे जुड़े जो लोग हैं वो समाज में महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं क्योंकि उसके कारण समाज की समृद्धि, राष्ट्र की समृद्धि और सब कुछ उस पर निर्भर है। इसलिए इस समाज का मार्गदर्शन चाहिए हमें और इस समाज का हमें सम्मान, हमको सम्मान करना समय पर जब भी तो हमारा भी दायित्व तो बनता है, इसलिए हम लोगों ने बुलाया और यहाँ उपस्थित व्यवसायियों के माध्यम से पूरे व्यवसायी समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि आपने बराबर, आप भामाशाह की संतान हैं और आपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा में अपना बलिदान किया है, आप उन महान पूर्वजों की संतान हैं। आज भी कुछ ऐसे ही चुनौतियाँ हैं, भारत के टुकड़े करने वाले चुनौती दे रहे हैं और वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको एकजुट होना होगा और आप समाज के अत्यंत ही प्रभावशाली वर्ग से आते हैं इसलिए समाज को सुगठित और संगठित करने में भी आपका सहयोग प्राप्त होगा, यही आप सबसे निवेदन है
व्यवसायी समाज से यही अपेक्षा है और इसी के लिए हम लोगों ने व्यवसायी समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया है और उनके माध्यम से यह उस समाज में व्यापक रूप से संदेश जाए उसका प्रयास किया है।